गाइस देखिए, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिजाइन। इस टाइप से हमें पहले ले लेनी है, एक 2 इंच की पट्टी ले लेनी है। ये देखिए, इस टाइप से मैंने 2 इंच की पट्टी ले ली है। पट्टी लेने के बाद इसकी जो मैं फिनिश करूंगी साइड से, ये देखिएगा, इस टाइप से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके फिनिश कर लेना है हमें अपनी पट्टी को। ये देखिए, इस टाइप से फोल्ड करके फिनिश करके स्टिच लगा लेनी है। पूरी पट्टी को इसी टाइप से हमें अपना जो है फिनिश कर लेना है। दूसरी साइड से भी इसी टाइप से हमें अपनी जो है पट्टी को फिनिश कर लेना है। ये देखिए, इसी टाइप से हमने अपनी पूरी पट्टी को फिनिश कर लेना है। ये देखिए, हमारी पट्टी है जो दोनों साइड से फिनिश हो चुकी है। ये देखिए, पट्टी मैंने काफी लंबी ली है, इसी टाइप से आपको भी पट्टी काफी लंबी ले लेनी है। ये देखिए, इस टाइप से हमें बीच में सेंटर में हमें स्टिच लगा के रफल्स डाल लेनी है। रफल्स में थ्रेड स्ट्रेच करके नहीं डाल रही हूँ मैं, इस टाइप से रफल्स डाल रही हूँ। देखिए, हाथ दोनों साइड की उंगली से मैं बैक की साइड रफल्स दे रही हूँ। ये देखिए, आप इस टाइप से अपनी जो है रफल्स डाल सकते हैं। ये देखिए गाइस, इस टाइप से हमने अपनी जो पूरी पट्टी की रफल्स हैं वो डाल लेनी है। ये देखिए गाइस, इस टाइप से सेंटर में स्टिच लेते हुए दोनों साइड में स्ट्रेच करते हुए हमने अपनी रफल्स डाल लेनी है। ये देखिए गाइस, जिस टाइप से मैंने अपनी जो है पूरी पट्टी पर रफल्स डाल ली है। ये देखिएगा, रफल्स डाल लेनी है इस टाइप से। रफल्स डालने के बाद मैंने ले लिया है ये फैब्रिक। फैब्रिक की जो हमारी लेंथ है, विड्थ जो हमारी वो है 10.5 इंच, और जो लेंथ है हमारी वो है 15 इंच। ये देखिएगा, इस टाइप से हमने अपने जो है फैब्रिक ले लेना है। फैब्रिक के जो है नीचे हमें अपनी जो है फ्यूजिंग है चिपका लेनी है अच्छे से। मैंने जॉइंट लिया फैब्रिक में, मेरी थोड़ा सा विड्थ में कम था। ये देखिए, इस टाइप से दोनों साइड से हमें इस टाइप से पकड़ करके 1/2 इंच पर स्टिच लगा लेनी है। अपर की साइड हमें छोड़ देना है और तीनों साइड में हमें स्टिच लगा लेनी है, फिनिश कर लेना है। ये देखिए गाइस, इस टाइप से नीचे की साइड भी और दोनों साइड भी अपर की साइड हमें छोड़ देनी है। ये देखिए गाइस, इस टाइप से स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए, हमने स्टिच लगा ली है। स्टिच लगाने के बाद हमें ले लेनी है अपनी रफल्स। ये देखिएगा, इस टाइप से रफल्स को ले लेना है। और देखिए, अपने रफल्स को इस टाइप से रख करके कॉर्नर्स पे रख के हमें इस टाइप से इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिएगा, इस टाइप से हमने अपनी जो है रफल्स को सीधा करते करते अपना रफल्स में हमारे जो घुमाव आ जाता है उसको सीधा करते हुए हमें अपनी रफल्स को इस टाइप से स्टिच लगा लेनी है कॉर्नर्स पे। ये देखिए गाइस, उसी सेंटर वाली स्टिच पर हमने अपनी जो है स्टिच लगा लेनी है।
ये देखिए गाइस, दोनों तीनों साइड मैंने जो अपनी है रफल्स लगा लिए इस टाइप से। ये देखिए इसी टाइप से हमें अपनी सेंटर में भी रफल्स जो है लगा लेनी है। ये देखिएगा इस टाइप से अपनी रफल्स को सीधे करते हुए इसी टाइप से हमने अपनी रफल्स जो स्क्वायर के साथ साथ एक और छोटा स्क्वायर बना लेना है रफल्स का। ये देखिएगा इस टाइप से मैंने रफल्स लगा ली है। अब सेंटर में भी इसी टाइप से हमने अपना जो है छोटा स्क्वायर बना के रफल्स लगा लेनी है। ये देखिए इस टाइप से मैंने अपनी जो है रफल्स लगा ली है। ये देखिए हमारा जो है रफल्स मैंने पूरी लगा ली है और इसको सेंटर में हम करेंगे आयरन सेंटर की जो है क्रीज हम बना लेंगे। ये देखिए हमारी जो है कुर्ती है, कुर्ती का जो है नेक हमें कटिंग कर लेना है इस टाइप से 2.5 इंच पर ऊपर की साइड निशान लगा लेना है। तो गाइस इस टाइप से हमने जो है डेप्थ ले लेनी है अपनी नेक की, 6 इंच पर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद 2.5 इंच पर हमने अपनी जो है ये विड्थ ले लेनी है। इस टाइप से हमने अपनी जो है राउंड शेप दे देनी है और कटिंग कर लेनी है अपनी जो नेक की। नेक की कटिंग करने के बाद जो हमने अपनी रफल्स का बनाई थी इस टाइप से उसके ऊपर रख लेना है अपने नेक को और इस टाइप से निशान लगा लेना है अच्छे से। सेंटर में हमें अपनी जो है आयरन डाल लेनी है अच्छे से रफल्स पर रख और इस टाइप से राउंड शेप में जो है नेक के अकॉर्डिंग निशान लगा लेना है और इस पर कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस टाइप से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद मैंने जो अपने रफल्स है इस टाइप से रख लेना है। ऊपर वाली साइड है जो हमारी सीधी साइड है, ये भी सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है। इस टाइप से रख करके हमें जो है स्टिच लगा लेनी है और इस टाइप से हमारा जो है सीधी साइड में रफल्स आ जाएंगे। ये देखिए इस टाइप से हमने जो अपनी स्टिच लगा लेनी है नेक पे। स्टिच लगाने के बाद छोटे छोटे अपने जो है कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हम अपने जो है नेक को सीधी साइड में ले आएंगे इस टाइप से और अच्छे से फिनिश कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप से अब मैं लगाऊंगी नेक पर स्टिच। इस टाइप से अच्छे से फिनिश से पकड़ करके हमें लगा लेनी है अपने नेक पर स्टिच। ये देखिए गाइस इस टाइप से हमने रफल्स को अच्छे से पकड़ करके नेक पर स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए गाइस अब हमें सेंटर के में सेंटर मैच कर लेना है अपना कुर्ती का और इस टाइप से सेंटर से मैं स्टिच स्टार्ट करूंगी। ये देखिए नीचे वाली जो पट्टी है हमारी उसी पर हमें स्टिच ले लेनी है। ये देखिए रफल्स को हटा करके उस पर स्टिच ले लेनी है। अगर आपके पास नीचे फैब्रिक कम है तो रफल्स के सेंटर से ही आपको स्टिच लेनी है। ये देखिए इस टाइप से हमने जो अपनी स्टिच लगा लेनी है रफल्स को हटा करके नीचे वाले फैब्रिक पर। तो गाइस देखिए कितना प्यारा सा हमारा जो रफल्स का नेक डिज़ाइन जो है बनकर आया है। इस टाइप का डिज़ाइन आप अपनी कुर्ती अपने सूट पर भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन है। इस टाइप के नए नए डिज़ाइन मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।